हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर यहाँ बहुत बड़ी अपडेट आ रही है फिर माइंडट्री की, तो से पता होगा फिर माइंडट्री का फिर कल असेसमेंट कल बिल आना चालू हुआ था कि आपका जो राउंड होने वाला है वो आपका 13th of November को होने वाला है, शाम को 4 से 4:30 के बीच में आप लोग कभी भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, फिर आज मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर को इस तरह का मेल देखने को आया था, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर आवर माइंडट्री हायरिंग प्रोग्राम अपन रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू इन द RFI फॉर्म। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू डू नॉट सेटिस्फाइड आवर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, एज अ रिजल्ट वी विल नॉट एबल टू गिव यू असेसमेंट एंड टेक योर कैंडिडेट अहेड फॉर द रोल। मतलब कि देखो ये मेल कब आता है, बेसिकली ये मेल आपको तब आता है जब आप लोग उनके परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया, आपका गैप हो गया, उसे आप लोग अगर किसी भी कंपनी माइंडट्री या फिर किसी भी कंपनी अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो, क्राइटेरिया से मैच नहीं करते हो, तो आपको जो फिर असेसमेंट का लिंक देखने को नहीं आएगा, आपको ऐसे रिग्रेट का मेल देखने को आएगा। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। फिर सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर गुड न्यूज़, माइंडट्री सेकेंड फेज हायरिंग अपडेट फॉर 20 बैच एंड फॉर विच रोल बता दो। फिर ये आपका एसी रोल के लिए हायरिंग आने वाला है और ये फिर आपका जो सेकेंड फेज हायरिंग है वो बहुत जल्द फिर आपका दिसंबर में कंडक्ट होने वाला, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। फिर ये दिसंबर के मिड में ये जो है माइंडट्री जो आप लोग को फिर से हायरिंग करने वाली है, क्या रिजेक्टेड लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग मेरे साथ में बने रहना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, मिड ऑफ दिस दिसंबर में फ्रेंड जो है माइंडट्री जो है 2020 बैच को हायरिंग करेगी फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके चलिए आगे बात करते हैं। सेक्शन ओवर कट ऑफ टू क्वालिफाई राउंड वन में बता दो। फिर आपको जो फिर 65 से लेकर 70% के बीच में जो फिर आपको अपने स्कोर करने होंगे फॉर द राउंड वन फॉर क्वालिफाइंग। यहाँ पर फिर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, फिर यहाँ पर आपको ओवरऑल कट ऑफ लाना होगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताते हैं सेकेंड फेज एग्जाम अपडेट आफ्टर 13 नवंबर। फिर बता दो अभी आज बहुत लोग ऐसे थे जिनको अभी तक स्टिल नॉट गेट गॉट एनी टाइप ऑफ असेसमेंट लिंक, सो यू हैव टू वेट फॉर 1 or 2 days मोर बिकॉज दे फर्स्ट कंडक्ट देयर एग्जाम ऑन 13th of November, आफ्टर दे विल कंडक्ट विद इन 1 or 2 days, सो यू विल रिसीव सून योर इंटरव्यू योर राउंड वन असेसमेंट मेल। ओके सो यू हैव जस्ट वेट बिकॉज स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉट गॉट एनी टाइप ऑफ असेसमेंट लिंक येट आफ्टर अप्लाइंग। ओके बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग माइंडट्री अगेन दे सेंडिंग फॉर रिजेक्शन डेट एंड ऑल्सो दे विल सेंड इन अपकमिंग 1 or 2 days फॉर असेसमेंट लिंक फॉर अनदर डेट। ओके बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम इन 13th November, आफ्टर दैट दे विल कंडक्ट इन विद इन 1 or 2 days, आई विल अपडेट यू फॉर द सेम। ओके वंस दे स्टार्ट माइंडट्री कैंडिडेट मेल अपडेट व्हाट्स इट्स मीन यू आर रिजेक्टेड फॉर देयर प्रोफाइल बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके आई थिंक टुडे ऑल्सो एग्जाम पेपर एंड क्वेश्चन एनालिसिस बता दो। फिर आज के पेपर ज़्यादा टफेस्ट नहीं आया, ज़्यादा ईजीएस नहीं आया था, मॉडरेट पेपर थे और सारे के सारे पेपर जो फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मेरे क्या आप लोग किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पेपर को चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है चलिए आई थिंक आप लोगों को मैं सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप आपको समझ में आया। इस टाइम में कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।